डैड, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। रिया रोहित को देखकर कहती है और भागती हुई उसके पास जाती है। आखिर क्योंकि अनिका की बेटी रिया और रोहित मारवा के बेटे आर्यन ने अपने माँ बाप की अदला बदली। क्या अनिका को अपने खोए हुए बेटे के सच का पता चलेगा? रागिनी उर्फ अनिका के मुंह से अनिका के खोए हुए बेटे के नाम को सुनकर कुणाल चौंक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। वो उसे वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसके सामने हार मान ही लेता है। रुको, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। अनिका को पिछले 6 सालों से बस इसी पल का इंतजार था। बीते 6 सालों में वो 6 सेकंड्स के लिए भी अपने बेटे को भूल नहीं पाई थी, और आज शायद वो पल आ ही गया जब उसे अपने बेटे के बारे में पता चल जाएगा और वो उसे अपनी गोद में ले सकेगी। रागिनी, मैं नहीं जानता था कि उस बच्चे का क्या हुआ। उसे तो अनिका के पापा गौतम ने किडनैप किया था। बस सिर्फ वही जानते हैं कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ है, वो अभी जिंदा भी है या फिर मर। Enough, Mr. Dogra, आप किसी बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? कुणाल की ये बातें सुनकर अनिका की सारी उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह दह गई। उसको कुणाल की बात सुनकर इतनी तेज गुस्सा आया कि वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। कुणाल उसके पीछे पीछे आता है, पर वो एक बार भी मुड़कर नहीं देखती। वो एक माँ है और उसका मन जानता है कि उसके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, पर जो बात उसको कही जा रही थी वो थी कि उसके पापा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एक पिता कैसे अपनी ही बेटी को उसके बच्चे से जुदा कर सकता है? वही कुणाल को उसका ये बर्ताव काफी अजीब लगा। कैफे में सब लोग उसे देख रहे थे और उसे अपनी ये इंसल्ट मंजूर नहीं थी। अनिका कॉफी शॉप से होटल की ओर जा रही थी, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उसकी बेटी रिया और रोहित मारवा के बेटे आर्यन ने मिलकर एक प्लान बनाया है। एक ऐसा प्लान जो रोहित और अनिका दोनों की जिंदगी को बदल देगा। अनिका जैसे ही होटल में अपने कमरे के बाहर पहुंची, उसने देखा रिया रूम के बाहर ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में खड़ी है। I'm sorry, बेटा, मम्मा इज लेट। अनिका ने ये सोचा भी नहीं था कि जिसको वो अपनी बेटी समझ रही है वो तो रोहित मारवा का बेटा आर्यन है। वो अपनी बेटी को ना पहचानने की गलती कैसे कर सकती थी? पर क्या सच में ये गलती है या एक दबे हुए सच की असलियत? आर्यन, जिसे कभी माँ और माँ का प्यार नहीं मिला, अनिका को एक टक देखता रहा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ तुम कहाँ थी? अनिका, जो कि आर्यन को रिया समझ रही थी, वो भी हैरान थी कि आखिर आज रिया को हो क्या गया है, कि तभी आर्यन ने अनिका को हग कर लिया। और जिस माँ के स्पर्श के लिए आर्यन सालों से तरस रहा था, वो ममता का एहसास अनिका ने एक पल में उसे करवा दिया। अनिका की प्यार भरी थपकियों से आर्यन उसके कंधे पर सिर रखकर तुरंत सो गया। I'm so sorry, बेटा, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ रोहित जैसे ही रूम में आया तो रिया उसके पास भागती हुई आई। डैड, आप आ गए। रिया की आवाज में एक्साइटमेंट सुन रोहित बहुत कंफ्यूज हो गया। आर्यन कभी ऐसे बिहेव नहीं करता था। रोहित अपने घुटनों पर उसके सामने बैठ गया और फिर रोहित को दूसरा शॉक मिला जब रिया ने उसे गले लगा लिया। डैड, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। रिया की बातें रोहित के लिए कंफ्यूजिंग जरूर थी, पर वो ये नहीं जानता था कि ये उसका बेटा नहीं, अनिका की बेटी रिया है। रिया, जो कभी अपने डैड से नहीं मिली थी, आज बहुत खुश थी। उसे हमेशा स्कूल में अपने दोस्तों के फादर्स को देखकर अपने पिता से मिलने की कसक रहती, और आज वो पूरी हो गई थी। पर क्या बच्चों के इस अदला बदली के प्लान से कोई नया सच सामने आएगा? क्या आर्यन और रिया अनजाने में ही सही, लेकिन सच में अपने मम्मी पापा से मिल गए? इसका जवाब जानिए इसके फुल एपिसोड में। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको उसी फुल एपिसोड में मिलेगा। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो तुरंत सुनिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।